واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل, وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وما هم بضادين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق और उन हजलियात के पीछे लग गए जो सुलेमान के अहद सल्तनत में शयातीन पढ़ा करते थे और सुलेमान ने मुतलक कुफर की बात नहीं की बल्कि शैतान ही कुफर करते थे कि लोगों को जादू सिखाते थे और उन बातों के भी पीछे लग गए जो शहरे बाबुल में दो फरिश्तों यानी हारूत और मारूत पर उतरी थीं और वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये न कह देते कि हम तो जरिया आजमाइश हैं तुम कुफर में न पड़ो गरज लोग उनसे ऐसा जादू सीखते जिससे मिया बीवी में जुदाई डाल दें और खुदा के हुक्म के सिवा वो इस जादू से किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते थे और कुछ ऐसे मंत्र सीखते जो उनको नुकसान ही पहुंचाते और फायदा कुछ ना देते और वो जानते थे कि जो शख्स ऐसी चीजों यानी सहर और वगैरह का खरीदार होगा उसका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं और जिस चीज के एवज उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला वो बुरी थी काश वो इस बात को जानते लौका और अगर वो ईमान लाते और परहेजगारी करते तो खुदा के यहां से बहुत अच्छा सिना मिलता ए काश वो इससे वाकिफ होते एह गुफ्तगु के वक्त पैगम्बरे खुदा से रायना न कहा करो उन न कहा करो और खूब सुन रखो और काफिरों के लिए दुख देने वाला अजाब है मायादी का ان ينزل عليكم मिन मिन जो लोग काफिर हैं अहली किताब या मुशरक वो इस बात को पसंद नहीं करते कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से खैर वरकत नाजिल हो

जिस आयत को मनसूख कर देते या उसे फरामोश करा देते हैं तो उससे बेहतर या वैसी ही और आयत भेज देते हैं क्या तुम नहीं जानते कि खुदा हर बात पर कादिर है आसमानों और जमीन की बादशाहत खुदा ही की है और खुदा के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं क्या तुम ये चाहते हो कि अपने पैगंबर से उसी तरह के सवाल करो जिस तरह के सवाल पहले मूसा से किए गए थे और जिस शख्स ने ईमान छोड़कर उसके बदले कुफर लिया वो सीधे रस्ते से भटक गया من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ता बहुत से ऐले किताब अपने दिल की जलन से ये चाहते हैं कि ईमान ला चुकने के बाद तुमको फिर काफिर बना दे हालांकि उन पर हक जाहिर हो चुका है तो तुम मुआफ कर दो और दरगुजर करो यहां तक कि खुदा अपना दूसरा हुक्म भेजे بشك خدا بات پر قادر ہے وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير और नमाज अदा करते रहो और जक़ात देते रहो और जो भलाई अपने लिए आगे भेज रखोगे उसको खुदा के यहाँ पालोगे कुछ शक नहीं कि खुदा तुम्हारे सब कामों को देख रहा है वो खुल्ला और यहूदी और ईसाई कहते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों के सिवा कोई बहिष् में नहीं जाने का ये उन लोगों के ख्याल बातिल हैं पैगम्बर उनसे कह दो कि अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो

और ऐसे लोगों को कयामत के दिन न किसी तरह का खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे